ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए कुछ और खबरों की ओर बढ़ते हैं। देश के कई राज्यों में शीतलहर का सितम जारी है। उत्तर भारत में ठंड के साथ कोहरा भी बढ़ता जा रहा है। सुबह और शाम के समय घने कोहरे का असर यातायात पर भी पड़ा है, जिसकी वजह से ट्रेन और हवाई यातायात काफी प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भी कोल्ड डे की स्थिति होने की संभावना जताई गई है। इस बीच भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कोहरे के हालात में कम दृश्यता से निपटने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा के उपाय कर रहा है। इनमें मिटे हुए और क्षतिग्रस्त सड़क संकेतों को ठीक करना और प्रवर्तक उपकरणों की दृश्यता बढ़ाना शामिल है। और इसी खबर पर दिल्ली से हमारे संवाददाता तपस हमारे साथ जुड़ गए हैं। तपस से बात करते हैं। तपस, सबसे पहले तो हम आपको नए साल जो आने वाला है इसकी मुबारकबाद देंगे, और साथ ही साथ जैसे कि हम देखते हैं कि दिल्ली वालों के लिए हर साल ये दिन बड़ा ख़ास हो जाता है, नए साल का दिन होता है, लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, लेकिन साथ साथ ठंड का कहर भी उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो दिल्ली के क्या हालात हैं इस वक्त? दिल्ली में ठंड का कहर जारी है, ठंड से ज्यादा कोहरे का कहर जारी है इस वक्त। रेशमा, मैं ये बताना चाहूंगा कि जो विजिबिलिटी है, अगर हम बात करें अभी इस वक्त, तो बहुत दिल्ली और आसपास के इलाकों में कुछ ऐसी जगह जहाँ पे विजिबिलिटी बहुत ज्यादा लो हो चुकी है। ट्रेन और जो फ्लाइट जो डिस्ट्रप्शन है वो ये 24 तारीख से हम देख पा रहे हैं, आज भी वही देखने को मिलेगा। रेड अलर्ट IMD ने जारी किया है आज फिर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और आसपास के इलाकों में, कुछ हिस्से यूपी के भी है, पॉकेट्स है जहाँ पे डेंस फॉग की चेतावनी दी जा रही है। लोगों को बताया जा रहा है कि अगर 4 से 10 बजे तक, जो जिस समय ये सबसे ज़्यादा ये फॉग का कंडीशन है उस टाइम में, वो घर से ना निकले, मतलब अगर ट्रैवल ना करें खासतौर से गाड़ी से। नेशनल हाईवे में हमने देखा है कि बहुत जगहों पर दिक्कतें आई है लोगों को ट्रैवल करने में, तो ये 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम देखने को मिली है। और ये IMD की माने तो 1 तारीख और 2 तारीख को भी ऐसा रहने की उम्मीद है। उसका रीजन ये बताया जा रहा है कि अभी भी जो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आना था वो फीबल हुआ है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 1 या 2 तारीख तक आने की, उसके बाद ये जो कोहरा है वो छटने की उम्मीद है। दूसरी चीज़ है कि कोहरा अगर छट रहा है तो उससे मिनिमम टेम्परेचर जो इस वक्त दिल्ली का मिनिमम टेम्परेचर है वो 10 के करीब रह रहा है, अगर पिछले 4-5 दिनों की बात करें तो वो अभी ऐसा ही रहने की उम्मीद है कुछ दिन, खासतौर से अगले दो दिन जो है। लेकिन जो डे टेम्परेचर है दिल्ली का और आसपास के इलाकों का, वो उसमें गिरावट देखने को मिली और उसी वजह से लोगों को दिक्कतें ज़्यादा आ रही है। अगर यही हाल है तो 1-2 तारीख तक ऐसा ही रहने की उम्मीद है, उसके बाद अगर बारिश होती है तो ये कोहरा छटने की उम्मीद जताई जा रही है। रेशमा जी, तपस, आप अपनी नज़र बनाए रखें दिल्ली के मौसम पर, आपसे फिर से जानकारी हासिल करेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।